दोस्तों, अगर मोबाइल नेटवर्क टेक्नोलॉजी की बात करें तो हम 1G, 2G, 3G से निकलकर आज हम यूज़ कर रहे हैं 4G, और हमें बड़े ही बेसब्री से इंतज़ार है आने वाले 5G का। आखिरकार ये 5G हमें किस हद तक स्पीड देगा, कौन कौन से ब्रॉडबैंड्स एंड डिवाइसेस के साथ कनेक्ट हो सकती हैं, ये हमारी लाइफ को कितना आसान बना सकता है, या फिर इसके कौन कौन से हिडन डेंजर्स होंगे, ये हमारे DNA, हमारे हार्ट और हमारे दिमाग पर किस तरीके से असर करेगा। आज की वीडियो में दोस्तों हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। तो हेलो फ्रेंड, दिस इज अशरफ फ्रॉम एनी टेक सपोर्ट, लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि आखिरकार ये 4G का मतलब क्या होता है। 4G मीन्स फोर्थ जनरेशन। तो अगर हम स्टार्टिंग से बात करें तो सबसे पहली जनरेशन, फर्स्ट जनरेशन ने हमें एनालॉग फ़ोन दिया जिसके ज़रिए हम सिर्फ फ़ोन कॉल ही कर सकते थे। सेकंड जनरेशन ने हमें मैसेजिंग और वॉइस रिकॉर्डिंग के ऑप्शन दिए थे। थर्ड जनरेशन ने हमें वीडियो कॉल, डिजिटल ब्रॉडबैंड्स और बहुत सारे वायरलेस डिवाइस को कनेक्टिंग करने की परमिशन दी थी। और फोर्थ जनरेशन ने इन सभी को बेहतर तरीके से यूज़ करने का तरीका हमें बताया। अब हम दोस्तों बात करते हैं 5G की। आखिरकार हमें 5G नेटवर्क की ज़रूरत क्यों पड़ेगी? दोस्तों, 5G नेटवर्क के जरिए हम अपनी लाइफ को और भी ज़्यादा बेहतरीन और इजी बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल के तौर पर अगर हम सेल्फ ड्राइविंग कार का आनंद लेना चाहते हैं तो हमें ज़रूरत पड़ेगी 5G टेक्नोलॉजी की, और इसी 5G नेटवर्क की मदद से हमारी कार बिना किसी ड्राइवर के आसानी के साथ रोड पर चल सकती है। दूसरे शब्दों में अगर मैं बात करूं तो रोबोटिक सर्जरी के लिए हमें 5G टेक्नोलॉजी की ज़रूरत पड़ेगी। फॉर एग्जांपल, एक डॉक्टर एक जगह बैठा हुआ और उसको एक ही समय में बहुत सारे ऑपरेशन करने हैं तो वो रोबोट के जरिए ही कर सकता है। इसके लिए एक बेहतरीन 5G नेटवर्क चाहिए जो कि उनके सिस्टम में कमांड दे सके और उसको बिना डिले किए हुए सारे काम आसानी के साथ कर सके। अगर मैं इसकी अगली स्पेसिफिकेशन की तरफ लेके चलूं, तो हम ये बात कह सकते हैं कि हम सारे ही मशीनों को, घर के सारे ही डिवाइसेस को इस 5G टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, इसको हम स्मार्ट होम का नाम दे सकते हैं, जिसके ज़रिए हम अपने फ्रिज, टीवी, कूलर, वॉशिंग मशीन या फिर AC या कंप्यूटर जैसे डिवाइसों को एक साथ कनेक्ट कर सकते हैं। ये सारी ही डिवाइसें आपस में एक दूसरे के साथ कन्वर्सेशन कर सकती हैं, बातचीत कर सकती हैं और ये हमारे बताए हुए कमांड को फॉलो कर सकती हैं। इसके लिए हमें हमारे हर गैजेट के ऊपर प्रॉपर नज़र रखने की ज़रूरत नहीं है। फॉर एग्जांपल, अगर फ्रीज में रखा हुआ कोई भी आइटम हमारा सड़ने वाला है तो फ्रीज ऑटोमेटिक उसको डिटेक्ट करेगा और उसको बाहर कर सकता है। इसी तरह से अगर वॉशिंग मशीन में कपड़े काफ़ी देर से पड़े हुए हैं तो वो ऑटोमेटिक उसको सिखाकर बाहर निकाल देगा। और इसके अलावा हमारे घर के बहुत सारे गैजेट्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से आपस में मिलजुल के काम करेंगे और हमारी लाइफ को बेहतर बनाने में हमारी मदद करेंगे। अब दोस्तों, मैं बात करता हूँ कि आखिरकार इस 5G टेक्नोलॉजी की स्पीड कितनी होगी। दोस्तों, अभी तक जो भी रिसोर्स हैं और जो भी न्यूज़ है उसके ज़रिए हम ये कह सकते हैं कि आज के 4G से ये 100 गुना फास्टर होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमें कोई भी 2 घंटे की मूवी डाउनलोड करनी है तो 3G से हम जो मूवी डाउनलोड करते थे उससे हमें 26 आवर लग सकते हैं, और 4G से हम वही मूवी को 6 मिनट में डाउनलोड कर सकते हैं, और 5G टेक्नोलॉजी सिर्फ 3.5 सेकेंड में हम उस मूवी को डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों, हम बात कर सकते हैं कि आज के जो भी 4G की टेक्नोलॉजी है, उस 4G टेक्नोलॉजी से हमें सिर्फ स्पीड जो मिलती है ये अलग अलग एरिया के हिसाब से अलग अलग हो सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जो मैं फ़ोन यूज़ कर रहा हूँ, इसकी जो स्पीड है वो मुझे 10 से 12 MBPS मिल जाती है। तो अगर मैं इसको मल्टीपल करूँ बाई 100 तो हम ये कह सकते हैं कि 1 GB से 10 GBPS की स्पीड 5G हमें दे सकता है। दोस्तों, 1 GBPS की स्पीड, जो कि बहुत ही ज़्यादा स्पीड होती है। दोस्तों, इतनी ज़्यादा स्पीड का मज़ा लेने के साथ साथ हमें कुछ समस्याओं का सामना भी करना पड़ सकता है। एक्सपर्ट, साइंटिस्ट और अगर डॉक्टर्स की अगर हम बात करें तो ये हमारे DNA तक को डैमेज कर सकता है। वो कैसे दोस्तों? इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि हमारे फ़ोन की जो भी बातचीत होती है ये सारी मैग्नेटिक वेव्स और रेडिएशन के ऊपर काम करती है, और 5G टेक्नोलॉजी का जो रेडिएशन होगा वो इस हद तक ज़्यादा होगा कि हमारे DNA को डैमेज कर सकता है। इंसानों में हार्ट फेलर की प्रॉब्लम्स बढ़ सकती हैं और इससे कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी को भी बढ़ावा मिल सकता है। वायरलेस रेडिएशन हैज़ बायोलॉजिकल इफेक्ट्स, पीरियड। दिस इज नो लॉन्गर अ सब्जेक्ट फॉर डिबेट व्हेन यू लुक एट पबमेड एंड द पीयर रिव्यू लिटरेचर। दीज इफेक्ट्स आर सीन इन ऑल लाइफ फॉर्म्स, प्लांट्स, एनिमल्स, इंसेक्ट्स, माइक्रोब्स। इन ह्यूमंस वी हैव क्लियर एविडेंस ऑफ कैंसर नाउ, देयर इज नो क्वेश्चन। We have evidence of DNA damage, cardiomyopathy, which is the precursor of congestive heart failure, neuropsychiatric effects. दोस्तों, हमें किसी भी आने वाली न्यू टेक्नोलॉजी को हमेशा वेलकम तो कहना चाहिए, लेकिन इससे मिलने वाले फ़ायदे और होने वाले नुकसान को अच्छी तरह कंपेयर कर लेना चाहिए एंड मेक श्योर द अपकमिंग न्यू टेक्नोलॉजी इज़ वेरीफाइड एंड टेस्टेड बिफोर वी यूज़। आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।